वेलकम 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 गाइस, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ऑप्शन गाइड। तो स्वागत है आपका एक और शानदार डेली मार्कलेस वीडियो में। और आज हमें आपको ऐसी वीडियोस देते हुए पूरा एक साल हो चुका है। लास्ट ईयर 31 मई 2020 को हम आपके लिए फर्स्ट एनालिसिस वीडियो लाए थे, एंड उसके बाद ये जर्नी ऐसे ही चलती रही। एंड आज हमने आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट की वजह से एक साल पूरा कर लिया है। तो सबसे पहले उसके लिए दिल से थैंक यू, एंड होप आगे भी आप ऐसे ही हमारे साथ इस जर्नी में बने रहेंगे। फिर से इस एनालिसिस वीडियो में जानेंगे कैसे इंट्राडे मूव्स देखे, कैसे पोजिशनल मार्केट थी, जो जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस थी वो हमने ब्रेक कर दिया बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में। अगर आप देखेंगे दोनों जगह हमने लेवल्स जो हमारे रेजिस्टेंस के थे हमने दोनों जगह ब्रेक कर दिए। तो आगे क्या व्यू पॉइंट बन रहा है, कैसे इंट्राडे मार्केट रही, सब कुछ डिटेल में जानने वाले। अगर आप लोग भी इस फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए एनालिसिस पार्ट देखते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। फाइनली जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, जो कंटिन्यूस मार्केट को रेजिस्टेंस दे रही थी, मल्टीपल टाइम मार्केट में हमने देखा था, आज फाइनली इसके जस्ट अबव हमें क्लोजिंग मिली है। फाइनली ये लेवल ब्रेक हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं पर स्लाइटली 50 पॉइंट अबव हमें इसके क्लोजिंग मिली है। अब लेवल शिफ्ट हो चुका था, जैसे ये धीरे धीरे टाइम के साथ शिफ्ट होता रहता है। प्रीवियसली भी आपको बताया कि अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है, तो रेजिस्टेंस 35,470-460 के आसपास है, तो वहां से ऑलमोस्ट 50-60 पॉइंट हायर हम क्लोज हुए हैं। अब पहली चीज क्या है कि हमारा क्या टारगेट ओपन हो जाता है, 36,000। तो अब बैंक निफ्टी में एटलीस्ट एक्सपेक्टेड है कि हम 36,000 तक जाने चाहिए, बहुत बड़ा लेवल नहीं है। और 36,000 तक जाएंगे वो ब्रेक करेंगे तो उसके बाद 36,800 तक भी बैंक निफ्टी में एटलीस्ट मार्केट जाने चाहिए। ये दो अब अपसाइड हमारे लेवल्स होने वाले हैं। सपोर्ट लेवल लोअर साइड यही है 34,600। यहां तक कोई भी डिप मिलता है, मैंने आपको बताया था यहां तक कोई भी डिप मिले आप बाय कर सकते हैं। लोअर साइड ये आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। रेजिस्टेंस 36,000 है फर्स्ट, एंड उसके बाद 36,800 ये हमारे पोजिशनल लेवल्स हैं। इनके अकॉर्डिंग आप अपने पोजिशनल ट्रेड्स बना सकते हैं। इंट्राडे कैसी मार्केट देखने को मिली बैंक निफ्टी में वो देखिए। मॉर्निंग में जैसा कि एक्सपेक्टेड था एक डिप आ सकता है, टेक्निकल डिप एक्सपेक्टेड था बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में, एक मॉर्निंग में डिप जरूर देखने को मिला, लेकिन फिर लेवल पे मार्केट ने लिया सपोर्ट 35,000 लेवल पे। यहाँ मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक रिवर्सल आया, इतना सडन फास्ट रिवर्सल देखने को मिला। आप देखिए कितनी शार्प रैली आई मार्केट में। मॉर्निंग में 35,000 तक कंटिन्यूस डाउनफॉल, एक 200-250 पॉइंट्स का डाउनफॉल हमें देखने को मिला। लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर आई मार्केट में सडन रैली, जिसमें हम 35,350 हमारा टारगेट था वो अचीव हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक कैंडल ब्रेक भी कर रही है, लेकिन हमें कोई कंफर्मेशन फॉलो अप कैंडल नहीं मिली, तो दोबारा हम लेवल के बिलो आए, फिर से लेवल पे स्ट्रगल करने लगे। आपको दिख रहा है यहाँ क्लियरली, फाइनली लेवल ब्रेक हुआ, कंफर्मेशन कैंडल मिली, एंड उसके बाद और यहाँ पे देखिए दोबारा आपको एंट्री मिली होगी क्योंकि मार्केट ने दोबारा लेवल पे सपोर्ट लिया। इस टाइम सुपर ट्रेंड पे भी यही सपोर्ट था मार्केट में, तो डबल कंफर्मेशन के साथ आप दोबारा ट्रेड बना सकते थे। मार्केट में दोबारा ट्रेड बना और उसके बाद फिर एक रैली नेक्स्ट लेवल तक जो था 35,550। तो ये ओवरऑल इंट्राडे था जहां मॉर्निंग में एक डिप जरूर आया, लेकिन उसके बाद पूरा ट्रेंड चेंज हो गया था मार्केट में, एक कंटिन्यूस बुल रन देखने को मिला। आप यहाँ देखिए हायर हाइज बन रहे, कंटिन्यूस आपको दिख रहा है कि मार्केट पॉजिटिव ही है, बुल रन है। जो भी डिप है वो बाय होंगे मार्केट में, जो भी डिप आ रहे थे वो सब बाय हो रहे थे। देखिए हर बार हायर हाइज बन रहे एंड हायर लोज भी बन रहे, तो ये क्लियर कट अप ट्रेंड दिखा था मार्केट में और वही हमें देखने को मिला। मॉर्निंग के डिप के बाद एक कंटिन्यूस रैली ही आई मार्केट में और ऑलमोस्ट डे हाई के पास ही हम क्लोज भी हुए। तो ये तो इंट्राडे लेवल्स थे। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे, कल क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगी इंट्राडे के लिए। पोजिशनल तो हमें टारगेट पता है हमारा 36,000 ओपन हो चुका है, लेकिन इंट्राडे क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है 35,550 के अबव, कहां मार्केट में रेजिस्टेंस मिलेगी। तो 35,550 के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आती है 35,700 पे, एंड उसके बाद वही लेवल है जो हमारा पोजिशनल लेवल भी था, इंट्राडे लेवल भी सेम है 36,000। तो बैंक निफ्टी में दो रेजिस्टेंस लेवल होंगे 35,700 एंड 36,000, क्लियर कट दो हमारे ये लेवल्स हैं जिसमें मेजर टारगेट होगा 36,000, लेकिन इंट्राडे ट्रेड्स के लिए आपको ये लेवल भी हेल्प करेगा। तो दो रेजिस्टेंस लेवल हो चुके हैं। सपोर्ट का है मार्केट में, सपोर्ट 35,350 फर्स्ट सपोर्ट है जिसने इंट्राडे भी मार्केट में सपोर्ट दिया था, एंड लोअर साइड सपोर्ट आता है 35,000 जहां ऑलमोस्ट हमने अपना डे लो बनाया था, वहां से ही मार्केट में रिवर्सल देखा था, तो ये भी इंपॉर्टेंट लोअर साइड सपोर्ट है। तो दो सपोर्ट लेवल्स हो गए 35,350 एंड 35,000 अपसाइड लेवल 35,550, 35,700 एंड 36,000। क्लियर कट व्यू क्या है,
बुलिश व्यू ही है यार, लेवल हमने ब्रेक कर दिए हैं, बैंक निफ्टी में भी लेवल ब्रेक किया है, निफ्टी में भी क्लियर कट ब्रेकआउट मिला है, तो यहाँ से बुलिश व्यू ही है और ये हमारे टारगेट्स होने वाले हैं। देखते हैं निफ्टी में ओवरऑल क्या हुआ। अब निफ्टी में मॉर्निंग में एक शार्प डिप आया, जैसा एक्सपेक्टेड था मॉर्निंग में डिप आया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी की तरह सेम सिनेरियो निफ्टी में देखने को मिला। लोअर साइड मार्केट में इतनी शार्प कैंडल बनी, देखिए ये मारू बुजू कैंडल है जो क्लियर कट मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनाती है। अब मारू बुजू कैंडल क्या है, जहां पे एग्जैक्ट मार्केट में कोई विग नहीं है, जिस कैंडल में कोई विग नहीं है कि ओपनिंग बिल्कुल लो पे हुई है और क्लोजिंग बिल्कुल टॉप हाई पे हुई है, तो यहाँ पे विग नहीं बनी है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है। एंड इसने क्लियर कट मार्केट में दिखाया कि एक स्ट्रेंथ है और वहां से क्लियर कट रैली देखने को मिली। दो हमारा व्यू ये था कि हमें इस जोन में कोई ट्रेड नहीं बनानी, ये पूरा जोन हमारा एज अ रेजिस्टेंस का वर्क करेगा। 15,500 ब्रेकआउट होने के बाद ही हमें एक बुलिश व्यू के साथ ट्रेड करना है। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं भी बनाया, वेट भी किया 15,000 पे मार्केट ने देखी रेजिस्टेंस भी ली फाइनली ब्रेक होने के बाद, तो आपके पास क्लियर कट व्यू था, क्योंकि आपने बहुत क्लियरली मेंशन किया था जो भी टेक्निकल डिप एक्सपेक्टेड है वो सारी चीजें नल एंड वॉइड हो जाएगी अगर हम 15,500 को ब्रेक कर देते हैं। हमने ब्रेक किया और उसके बाद एक क्लियर कट बुल रैली देखने को मिली और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट डे हाई पे हम क्लोज हुए। ये पूरा जोन पहले जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था, अब ये वर्क करेगा इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह। पूरा जोन अब निफ्टी में इम्पोर्टेंट सपोर्ट हो जाता है 15,450 से 15,500, ये इम्पोर्टेंट हमारा लोअर साइड सपोर्ट है। रेजिस्टेंस लेवल क्या है, रेजिस्टेंस ऑल टाइम न्यू हाई लेवल पे क्लोज हो रही है, मार्केट ऑल टाइम न्यू लेवल्स है, न्यू लेवल शेयर कर रहा हूँ। अपसाइड फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है अब इंट्राडे निफ्टी में 15,580 एंड उसके बाद लेवल है 15,650 इंट्राडे लेवल। पोजिशनल क्या टारगेट दिया मैंने आपको कि 15,500 के बाद अब हमारा पोजिशनल टारगेट है 15,850 एंड मार्केट अब एक्सपेक्टेड है कि वहां तक एटलीस्ट जानी चाहिए पोजिशनली। और इंट्राडे लेवल्स की बात करें तो फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट है 15,580 एंड उसके बाद 15,650, लोअर साइड सपोर्ट 15,500। ये सारे हमारे कल के लिए इंट्राडे लेवल है, पोजिशनल जोन है हमारा सपोर्ट एंड 15,580 टारगेट और रेजिस्टेंस लेवल होने वाला है अब इस रैली में। कोई भी क्वेरी है कमेंट में कर सकते हैं। एंड हेजिंग बैच नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला है, अभी तक हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन नहीं किया, अगर आप उस बैच का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी अकाउंट ओपन किया हुआ है वो हमें इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दे ताकि हम आपको ग्रुप में ऐड कर ले। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।